नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जो मेरे चैनल, जहां पाते हैं संस्था संबंधित ढेर सारी जानकारियां और अपडेट्स। इस प्रकार के अपडेट्स को अगर आपको लगातार पाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल जैसा एक बने हुए आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मित्रों, जो आज की बात हो रही है कि 18-19 की बात होगी, 2018-19 आ चुका है, जहां पे एक नया बदलाव आया है, कई विभागों में नए चीजें आई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं उन विभागों में। तो उस विभागों में क्या बदलाव आए, इसी बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। मित्रों, जहां पे हमारी संस्थाएं सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लगाया करती थी और वहां से काफी ज्यादा संभावनाएं बनती थी, करीब करीब हर एक विभाग में वहां पे प्रोजेक्ट लगते थे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्निकल के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं संबंधित हो, चाहे वृद्धों संबंधित हो, चाहे विकलांग संबंधित हो, चाहे ड्रग से संबंधित हो, तो वहां पे हर प्रकार के प्रोजेक्ट लगते हैं। वो काफी बड़ा एक मंत्रालय है, मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, सामाजिक न्याय समानता एवं अधिकार मंत्रालय। तो यहाँ पे संस्थाएं काफी प्रोजेक्ट लगाया करती थी, क्योंकि यहाँ पे कई एक योजनाएं चला करती थी और वो सारी योजनाएं काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हुआ करती थी। उसमें कई एक संस्थाएं काफी प्रोजेक्ट लगाती थी, कई एक संस्थाएं उनसे संबंधित प्रोजेक्ट को चला भी रही हैं। तो उसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के बारे में अवश्य जाने, उन्हीं के बारे में ये वीडियो उसी चीज पर आधारित है। तो जो इनमें बदलाव लाए हैं, वो सबसे बड़ा बदलाव जिसमें उन्होंने लाया है, जो अनुसूचित जातियों के लिए जो इनकी योजनाएं चला करती थी और उसमें वो करीब करीब 40 के आसपास इनकी योजनाएं हुआ करती थी, उन योजनाओं में उन्होंने बहुत सी योजनाओं को हटा दिया है और अब वो घट के रह गई है सिर्फ 3। या मित्रों, आपने एकदम सही सुना है कि अब सिर्फ 3 योजनाएं रह गई हैं। पहली योजना रह गई है आवासीय विद्यालय, जिसको आप रेजिडेंशियल स्कूल कहते हैं। दूसरी योजनाएं हो गई हैं गैर आवासीय विद्यालय, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल, और जो तीसरी योजना है हॉस्टल संबंधित। तो ये चीजें काफी बड़ा बदलाव लाएंगी, जाहिर सी बात है। जहां पे संस्थाएं बहुत ढेर सारी जाती थी और करी करी हर एक योजनाएं लगा पाती थी, उनकी अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती थी, अब वो वहां पे उतनी योजनाओं में नहीं लगा पाएंगी। अब या तो शिक्षा के क्षेत्र में वहां पे लगाया जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने वृद्धों में जो योजनाएं चला करती थी उसमें भी उन्होंने काफी बदलाव लाए हुए हैं। कई एक योजनाओं को उन्होंने दूसरी योजनाओं के साथ मर्ज कर दिया है, लेकिन फिर भी जो उनकी बेसिक योजनाएं थी वो सारी अभी भी हैं। तो ये भी एक काफी बदलाव उन्होंने लाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया करते थे 10-बेडेड हॉस्पिटल और मोबाइल मेडिकल वैन और इस टाइप की कुछ और योजनाएं थी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और टेक्निकल जितने कोर्स टेक्निकल प्रोग्राम जितने इनके हुआ करते थे, वो अब वो एक दूसरे विभागों के द्वारा जो है वो संचालित हो गए, लेकिन उनका भी तरीका एक डिफरेंट होगा। इसके बारे में भी उन्होंने अपनी गाइडलाइन उन्होंने बताया हुआ है। जो इनकी नई गाइडलाइन आई हुई है 2018-19 के लिए, वो गाइडलाइन में भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो अगर आपको इस विभाग में प्रोजेक्ट लगाना है तो उस गाइडलाइन को जरूर आप देखें, उस गाइडलाइन के अनुसार ही बढ़े। और आप इस उसमें में ना रहे कि इस विभाग में बहुत ढेर सारे प्रोग्राम है, कहीं भी लगाया जा सकता है, नहीं रह गया है। अब सिर्फ 3 प्रोग्राम रह गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रेजिडेंशियल स्कूल, नॉन रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल। और वृद्धों में भी काफी योजनाओं को उन्होंने दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है और उन्होंने जो है फिर भी कई एक योजनाओं को उन्होंने उसमें पहले की तरह ही रखा हुआ है, वो अभी भी चलेंगी, लेकिन कुछ एक योजनाओं को उन्होंने दूसरी योजना के साथ मर्ज कर दिया है। और बाकी विकलांग हुआ और ये ड्रग वाला जो हुआ, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वगैरह टाइप के जो प्रोग्राम थे, ये शायद अभी इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये काफी एक बड़ा बदलाव आया हुआ है, इस बदलाव के बारे में आप अवश्य जानें। और ये बदलाव ये कहता है कि अब जो भी इसमें प्रोजेक्ट लगेगा उस पर कार्रवाई बहुत तेजी से होगी और आपको बहुत जल्दी इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो आप इन योजनाओं में जरूर प्रोजेक्ट लगाइए, यहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको बहुत जल्दी जो है ये समझ में आ जाएगा कि ये बदलाव किस कारण से हुआ है। क्योंकि ये काफी अच्छा संकेत है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत ढेर सारी संस्थाएं भी जाती थी, क्योंकि ढेर सारी योजनाएं भी हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वर्किंग अफेक्टेड हो जाती थी। अब क्या हो गया कि काफी कम योजनाएं रह गई, जाहिर सी बात है संस्थाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जिनकी एलिजिबिलिटी बनेगी वही वहां पे लगाएंगी, क्योंकि उसमें भी इंफ्रा की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें थी मित्रों, जो आपको जरूर जानना चाहिए।
18-19 में अन्य विभागों में भी काफी बदलाव आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बदलाव आएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर मिलता रहेगा एनजीओ मित्र के प्लेटफॉर्म पे, अवश्य ये चीजें जरूर आपको बताई जाएंगी। इसलिए मैं मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग बताना चाह रहे थे मित्रों की, एनजीओ मित्र चैनल बहुत जल्दी अब जो है हम लोग एक वेबसाइट भी अपनी शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप एनजीओ संबंधित तमाम जानकारियां पाएंगे और अपडेट्स पाएंगे। लेकिन इस वेबसाइट की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेगा और योजनाएं भी आपको दिखेंगे, अपडेट और इन्फॉर्मेशन भी आपको अपडेट दिखेंगे और एनजीओ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इससे संबंधित चीजें भी आपको जानकारियां वहां मिलेंगी और कुछ जो योजनाओं आपको समझ में नहीं आ रही है वो योजनाओं भी आपको कैसे समझे इसके बारे में भी आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। तो वो एक ऐसा वेबसाइट बनेगा जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, हमारे जो लोग भाई लोग जो एनजीओ चलाते हैं उनके लिए काफी वो फ्रेंडली हो, जहां से उनको काफी फायदा हो। और आप लोग जरूर उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, बहुत जल्दी उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। और मित्रों, मैं एक बार जरूर फिर कहूंगा आपसे कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जो भी नई नोटिफिकेशन आती है या कोई ऐसी नोटिस होती जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तो आपको अमालिया वीडियो बना हुआ तो एक यहां पे कम्युनिटी हम लोगों को मिला हुआ है टैब, वहां पे अगर आप हम लोग देंगे तो आप तक उसकी सूचनाएं तुरंत पहुंच जाएंगी। तो इसलिए मित्रों, आप लोग अगर सब्सक्राइबर जितने हैं वो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप तक तुरंत पहुंचे या कोई भी नई चीजें आए वो आप तक तुरंत पहुंचे। ये सारी चीजें थी मित्रों जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नमस्कार, जय हिंद।